आपका फैमिली किचन में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सांभर, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम अरहर की दाल 1-2 घंटे भिगो कर के ली है। कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, सरसों के बीज, नमक, सांभर मसाला और इमली का पानी, सी गाजर, पम्पकिन, प्याज, टमाटर, लौकी, ड्रमस्टिक्स, कड़ी पत्ता, 2 से 3 लाल मिर्च। ये बनाना शुरू करते हैं। हमने ये 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया है। तेल हमारा हो चुका है, अब हम इसमें सरसों के दाने डालेंगे 1 चम्मच। बीस से 25 कड़ी पत्ता। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। तीन साबुत लाल मिर्चें। इसे हम अच्छे से चलाएंगे। प्याज को हमें हल्के से गुलाबी करना है, प्याज जले नहीं, इसका आप ध्यान रखें। देखिए प्याज हमारी हो चुकी है, अब हम इसमें लौकी डालेंगे। ड्रम स्टिक्स, गाजर, पम्पकिन, अब हमें सब्जियां अच्छे से सॉटे करनी है। हम इस सब्जियों में नमक ऐड करेंगे ताकि हमारी सब्जियां पक जाएं। नमक से सब्जियां अच्छे से पक जाती हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। हम 1 छोटी चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत अच्छा आता है। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जले नहीं। हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रखेंगे ताकि हमारी सब्जियां थोड़ी सी गल जाए। सब्जियां हमारी सॉफ्ट हो गई हैं, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अब हम इसमें सांभर मसाला ऐड करेंगे। ये हमने 2 चम्मच सांभर मसाला लिया है। अब हम इसमें इमली का पानी ऐड करेंगे। ये हमने 1 कटोरी इमली का पानी लिया है। अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे, पानी ऐड करेंगे। पानी हमें सब्जियों से ऊपर रखिए। अब हम इसमें सीटी लगाते हैं। 3-4 सीटियों के बाद हम इसे खोल के देखेंगे। देखिए हमारा सांभर बन के तैयार है। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।